हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। हमने फेस्टिवल सीजन में खूब मजे से मिठाइयाँ और पकवान बना के खाए हैं, तो अब वापस समय आ गया गेट बैक टू नॉर्मल अवर रूटीन। तो इसके लिए बेस्ट वे है सैलेड। तो सैलेड अगर आप सोचते हैं कि आपको अच्छा नहीं लगने वाला है, तो आई एम श्योर आज जो मैं आपके साथ सैलेड की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, बहुत ही टेस्टी यमी सैलेड है। और जो नहीं भी खाता होगा तो आप मांग मांग के खाएंगे। बेस्ट वे है वेट रिड्यूस करने का। तो आइए मिलके बनाते हैं। एवोकाडो, कुकम्बर और लेटस से बना हुआ सैलेड आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो ये टेस्टी और हेल्दी सैलेड बनाने के लिए देखिए, मैंने कॉर्न लिया है, भुट्टा, ये एवोकाडो, ये लेटस लीव, ये अनियन, ये टमाटोज, ये चेरी टमाटोज है मेरे पास दो, तो ये मैंने ले लिए हैं, लेमन, खीरा और स्प्रिंग अनियन, गाजर। और इन सबको बहुत अच्छे से वॉश करेंगे हम। सैलेड में ये चीज़ है कि सब्जियों को अच्छे से वॉश करना है। इसको हम बॉईल कर लेंगे कॉर्न को। और सबसे पहले देखिए लेटस लीव हैं, तो इसे मैं लगभग 6-7 लेटस लीव इसको हम कट कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा हेल्दी होती हैं, विटामिन ए के इसमें बहुत ज़्यादा होता है और ये हमारी बॉडी को हाइड्रेट करती हैं। तो इसे हम रफली चॉप कर लेंगे। वैसे तो इजीली मार्केट में ये मिल जाती हैं, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप सैलेड में कोई भी चीज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, उसकी जगह हम कैबेज ऐड कर सकते हैं। और ये टमाटो है मेरे पास, तो इसे भी मैं कट कर लूँगी। तो इसे भी इसमें हम ऐड कर लेते हैं बाउल में ही। और अब ये खीरा है, तो खीरे को मैं छील ले रही हूँ और टेस्ट कर लेते हैं कि ये कड़वा तो नहीं है। और इसे भी मैं कट कर लूँगी। आप चाहें तो इसे छील सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, सारी चीज़ें ही बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं और एकदम कलरफुल हमारा सैलेड बनके तैयार होता है। ये दो चेरी टमाटर, तो इसे भी मैं कट कर लेती हूँ। इसको जस्ट हाफ करना है। और ये लाल वाला प्याज है, तो इसको मैं थोड़ा स्लाइसेस में पतला पतला कट कर रही हूँ। अच्छा, रेड वाला अनियन नहीं है अगर आपके पास, तो आप नॉर्मल अनियन भी ले सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, तो इसे भी हम ऐड कर लेते हैं। और ये एवोकाडो है, तो मार्केट में इजीली मिल जाता है, बहुत ही हेल्दी ये फ्रूट है। तो इसको हम ऐसे हाफ पहले बीच में से कट करके और इसके सीड को निकाल के, देखिए ऐसे फिर स्पून की हेल्प से हम इसके स्किन को निकाल देंगे। और ख़रीदते वक्त हमें ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा राइप ना हो ये, नहीं तो कट करने में थोड़ा मैशी सा हो जाता है ये। देखिए आराम से ये निकल जाता है। तो इसकी एवोकाडो की इसमें मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स तो होते ही हैं, विटामिंस, लेकिन सबसे ज़्यादा इसकी जो खासियत है कि इस सैलेड को खाने के बाद एवोकाडो की वजह से बहुत देर तक हमारा पेट फुल रहता है, तो हमें भूख थोड़ा कम लगती है, डाइजेशन में हेल्प करता है। ये स्प्रिंग अनियन है, इसको भी मैंने इसमें ऐड कर लिया है। और ये गाजर है, तो इसको छील के मैं थोड़ा कद्दूकस कर लूँगी। तो आप चाहें तो इसे कट भी कर सकते हैं, लेकिन ये कद्दूकस करके सैलेड में बहुत अच्छा फ्लेवर देती है ये। ये कॉर्न है, तो इसको भी हम निकाल लेते हैं, इसलिए निकल जाता है, बॉयल्ड है क्योंकि। और अब इसकी ड्रेसिंग तैयार करते हैं। तो ये देखिए 2 टेबलस्पून मैंने इसमें एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल लिया है। और ये गार्लिक है, तो लगभग 2 कली मैंने गार्लिक को अच्छे से क्रश कर लिया था, मिंस्ड गार्लिक है ये। ये ब्लैक पेपर टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने 1/2 टीस्पून लिया है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। लेमन की ये लेमन है, तो मैंने पूरा बड़ा एक लेमन लिया है, लगभग 2 टेबलस्पून, तो आप लेमन की जगह वाइट विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं। और ये मेरे पास रॉक सॉल्ट है, तो 1/2 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया है, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। मिक्स कर लेते हैं इसे और अब अपने टेस्टी कलरफुल सैलेड में इसको ऐड करते हैं। देखिए सैलेड देखने में ही कितना खूबसूरत लग रहा है, तो आप इस सैलेड को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, हेल्दी है, हेल्दी तरीके से वेट को लॉस करता है ये। तो आप इसको अगर डिनर में अपने ऐड करेंगे, या सिर्फ इसी का भी डिनर आप कर सकते हैं, तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही इफ़ेक्टिव। आपको कैसा लगा ये सैलेड? आपके व्यूज़ का मुझे इंतज़ार रहेगा।